आजकल क्यों है तू ही तू हर जगह, आजकल क्यों है रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है ना मैं अपना जी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज जुम्मे का दिन है, फजर की नमाज़ अदा कर ली है और ये जाए नमाज मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है माशाल्लाह से, क्योंकि ये जब हम लोग उम्रे पे गए हुए थे ये तब मैं वहाँ से लेकर आया था। और आप सब के लिए भी दुआ कर ली है और आप भी हमारे लिए दुआ कर दिया करें। आज हमने जाना है कहीं फिर से एक दफ़ा, और मैं ही फिर से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई ने कहा हुआ है कि जब तुम्हें लगे कि व्लॉग करना चाहिए तो तुम जो है ना उसके क्लिप ले लिया करो, बाद में मुझे दे दिया करो। नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और अब जो नेक्स्ट होता रहेगा साथ साथ वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो है नमाज़ को अच्छे से तय करके ये आ जाता है यहाँ, उसकी यहाँ पे जगह है बिल्कुल मेरे बेड के साथ माशाल्लाह से। लाइट कर देंगे ऑफ और मेरा भी कुछ काम रहता है करने वाला, मैं करूँगा काम और फिर अगर नींद आई तो सो जाऊँगा, ना आई तो फिर ऐसे ही बस। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कि बाबा फूड के 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी चाय ना हो तो नाश्ते का मजा किरकिरा हो जाता है, लेकिन आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरे बेटे अली की रेसिपी है। मैंने ये बाबा को रेसिपी बताई थी क्योंकि मैं चाय बहुत मज़े की बनाता हूँ, तो इस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ है माशाल्लाह से 6.1 मिलियन माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, जुम्मा पढ़ के किया हुआ, आई नो किया हुआ है, सो हम जुम्मा पढ़ के आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं एक मिशन पर, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, ड्रेसिंग हो गया, बेड हो गया, वाह वाह, खर्चे अच्छा अच्छा दो दो। वेरी गुड, वाह वाह वाह। चल मारा मार, चल दोएं कट्ठे मार, मारो के लत नु पीड़ हुंदी है, चल मारो मारो यार, इधर ओदी तुर जाओ ना, इधर नहीं तुर जाओ, ही कर लो एक काम, इधर ही ट्राई हुए हां चाड़ी चलो होगा भाई, कोई नहीं मार, ओ मेरी गल सुन, ओ लत अगे दर्द कर रही है, चलो सरकार लग जांदा पता कौन चाल मारदा, मार
ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦੋਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮਜੀਦ ਪਾਇਆ। जी इस वक्त हम आए हुए हैं फर्नीचर उठाने के लिए और मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ को सरप्राइज़ रखा हुआ था। सो आज आप सबको बताता चलूं कि शान की और अवैस की शादी है और वो है दिसंबर के एंड में 31 और 1-2 को, तो नेक्स्ट ईयर में वो दाखिल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज हम आए हुए हैं उनका फर्नीचर जो मतलब लड़की वालों की तरफ से दिया जाता है वो रिसीव करने के लिए आए हुए हैं और फर्नीचर जो है अभी पैक हो रहा है और अब फर्नीचर पे जो है वो लेमिनेशन फॉइल लगना स्टार्ट हो गई है। इससे ये होगा कि ये ख़राब नहीं होगा लोडिंग अनलोडिंग में और इसके ऊपर निशान नहीं आएंगे। सो लेमिनेशन फॉइल से सारे को लपेट दिया जाएगा। पढ़े को टेंशन दे क्या पढ़े सरकार की और टेंशन है तो दसो ए लगा देंगे से पता कि पैदल लगेगा ना घंटे सामने सामान जो है वो ट्रक में लोड होना स्टार्ट हो गया। सामान काफ़ी ज़्यादा है तो जो अवैस है उसका सामान आज जाएगा और शान का सामान जाएगा कल या परसों। पहले ये सामान हम जाके सेट करेंगे और क्योंकि घर थोड़ा छोटा है तो फिर उसके बाद दूसरा सामान हम लेके जाएंगे। अभी ये सूरत हाल चल रही है, सामान लोड हो रहा है और काफ़ी टाइम हो गया, 4 बज गए हैं, हम 2 बजे आए थे तो 2 घंटे हो गए। ₹80% सामान जो है वो हमारा रखा जा चुका है। काफ़ी सारे सामान को लेमिनेशन हो गई है और काफ़ी सारा सामान जो है ये प्राली इसको कहते हैं ये डाल के जो है रख दिया ताकि एक दूसरे से रगड़ ना खाए और इसका कलर वगैरह ना उतरे। हो गया, उसको कहा था किसी को बिठा लेना, वो शूटर हो गया। उसको कहा था सामान सारा लोड होके जा चुका है और अब हम भी चलेंगे वापस और फिर सामान सामान उतरेगा और हम करेंगे रेस्ट। चलो जी जी, तो पहला ट्रक जो है उसी दिन आ गया था और दूसरा ट्रक जो था सामान का वो तकरीबन 3 से 4 दिन बाद आया बिकॉज़ उसकी पहले हमने सामान की सेटिंग करनी थी। अभी 2 दुल्हों के 2 कमरे सेट हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दुल्हा दुल्हन के दोनों कमरे दिखाता हूँ कि जब रिवायती तौर पे जब मतलब जो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है वहाँ पर शादी होती है और जब जहेज का सामान आता है तो किस तरह से दुल्हा दुल्हन का कमरा सेट किया जाता है। अभी वो एक मसहरी जिसे कहते हैं वो फूलों वाली वो अभी नहीं बनी, वो जब बनेगी मैं तब दिखाऊंगा, तो अभी मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। और पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि जब दुल्हन का कमरा सेट हो जाता है फिर लोग उसको देखने आते हैं, गांव में ज़्यादातर ये कल्चर होता है। और शादी के दिन जब मतलब दोनों कदों आते हैं कमरा वेखण, जिस दिन दुल्हन आती है, हाँ जिस दिन दुल्हन आती है उस दिन स्पेशल पूरा गाँव आता है
दुल्हा दुल्हन का कमरा देखने के लिए। सो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहला रूम जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ ये शान का रूम है। पहले मैं आपको ये वाला रूम दिखाता हूँ, फिर अवैस भाई का रूम दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस रूम की हुई है सीलिंग, और उसके बाद जो है सारा वाइट वॉश वगैरह, और यहाँ पे है खूबसूरत सा बेड, और वहाँ पे जगह थोड़ी होने की वजह से साइड टेबल्स जो है वो ऊपर नीचे रख दिए हैं। सामने एक है शोकेस बर्तनों के लिए, सामने है एक ड्रेसिंग, और इधर आप कह लें कि ये इसको कपड़े वगैरह रखने के लिए अलमारी कह लें इसको। तो ये है, तो ये हो गया एक खूबसूरत सा क्यूट सा दुल्हा दुल्हन का कमरा, और नीचे इसके ये शीट डाली गई है। हम चलते हैं अवैस भाई के कमरे की तरफ, चलो साथ। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है अवैस भाई का कमरा, और यहाँ पे खूबसूरत सा बेड है, यहाँ पे शोकेस है, सामने जो है वो ड्रेसिंग है, यहाँ पे जो है वो सोफ़ा सेट है, और इधर जो है वो कपड़े रखने वाली अलमारी है, और यहाँ पे एलईडी भी लगी हुई है। और ये है अवैस भाई का कमरा, सीलिंग दिखाई, हाँ इसकी सीलिंग में दिखा देता हूँ, ये है जी इसकी सीलिंग। और जो सामान बाकी कमरों में नहीं आ सका वो जो है इधर ड्राइंग रूम में रख दिया गया है। ये सोफे शान भाई के रूम में नहीं आया तो यहाँ पे रख दिए, और वो दीवान भी रूम में नहीं आ सका तो उसको ड्राइंग रूम में सेट कर दिया गया है। तो ये होता है जब गांव वगैरह में शादी होती है तो इस तरह से दुल्हा दुल्हन के कमरे को फर्नीचर के साथ, बिल्कुल न्यू फर्नीचर के साथ उसको जो है वो सेट किया जाता है। और इंशाल्लाह अभी शादी होने में 3 से 4 दिन रह गए हैं, और शादी के गांव में किस तरह से शादियां की जाती हैं, क्या रस्म रिवाज होते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह फुली आपके साथ शेयर करूंगा। और आज का जो व्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको मेरे क्यूट क्यूट से फैमिली व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें RamMishra1CH, और कमेंट करके आपने बताना है कि आपको दोनों कमरे कैसे लगे हैं दुल्हा दुल्हन के। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान। ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ।